आधे घंटे पहले क्वाड की बैठक संपन्न हुई है, खत्म हुई है। वहां पर काफी अहम मुद्दों पर आज चर्चा होनी थी और इन सारी चीजों की चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, क्योंकि एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें चारों देशों के नेता जो है वो नजर आए। उन तस्वीरों में उनका दोस्त उनकी दोस्ती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे देशों के नेताओं को बढ़कर मित्र कहा और इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं और उसके बाद हम खबरों की सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड 19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी आज जहां भारत जापान का ध्वज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री का आवास है किशिदा का, और वहां पर इस समय लंच चल रहा है, भोज का आयोजन किया गया है। चारों देशों के नेता वहां पर मौजूद हैं, जिसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बायलैटरल की शुरुआत होगी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ यहां पर होने वाली है। लेकिन जो बाइडेन ने आज क्वाड से ठीक पहले अपनी बातें किस हिसाब से रखी थी, अमेरिका की प्राथमिकताएं किस तरीके से बयां की थी, वो सुन लीजिए। At the same time, the United States must and will be a strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. As once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said, because we are. We share the Pacific, one entire side of our country. And we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And, you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners. And we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have. You know, shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific.